हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अ इजी ट्रिक टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग्स। क्या होता है ना, जब हम लोगों के बहुत सारे फॉर्मूले केमिस्ट्री में जब आते हैं जिनमें लॉग होता है, हम बाकी सारे कैलकुलेशन कर पाते हैं, बट वो जो लॉग वाला पार्ट होता है और लॉग की वैल्यूज निकालने वाला पार्ट आता है, वो ट्रिकी हो जाता है। क्योंकि हम लोग लॉग बुक से लॉग निकालना सीख चुके, लेकिन बिना लॉग बुक के हाउ टू कैलकुलेट लॉग, ये हमारे लिए बहुत परेशानी वाली बात है। तो आज अपन लोग क्या करने वाले हैं कि वी विल स्टडी कि हाउ द लॉग्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड विदाउट यूजिंग एनी लॉग बुक। यस, तो आर यू ऑल रेडी। तो अब वो सुपर ट्रिक सीखी कैसी जाती है ये सीखते हैं। तो आपको लॉग के कुछ बेसिक से आइडेंटिटीज आने चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास ऐसा कुछ लॉग है, जैसे कि लॉग ए रेज टू पावर एन पावर के फॉर्म में कुछ है, तो आपको एक काम करना है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एन लॉग ए। ये लॉग की आइडेंटिटीज हैं जो हमको पता होनी चाहिए। दूसरा नेक्स्ट पार्ट इज कि लॉग ए इंटू बी, अगर आपको ऐसा कभी मिल जाए तो आप इसको लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। तो इनटू वाली टर्म्स कैन बी रिटन एज लॉग ए प्लस लॉग बी। यस, अब लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी कैन बी रिटन एज लॉग ए माइनस लॉग बी। तो भाई मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म प्लस के फॉर्म में लिखी जाती है और डिविजन वाली टर्म नेगेटिव फॉर्म में लिखी जाती है। एक और है कि अगर आप कभी लॉग ए बाय बी इसका रेसिप्रोकल करना चाहते हैं तो आप इसका रेसिप्रोकल करें, लेकिन जब आप इसका रेसिप्रोकल करें तो आप सामने नेगेटिव साइन लगा दें, मतलब या जो भी साइन है आप उसको बदल दें। तो अगर यहां नेगेटिव होता तो हम पॉजिटिव लिख लेते हैं, और अभी पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव लिख लिया। ये चार बेसिक आइडेंटिटी अगर आपको आती है तो आप ये सुपर ट्रिक बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। होपफुली यहां तक आप सभी ने लिख लिया है। यस, ओके। अब हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग पे। सबसे पहले एंटी लॉग सीखेंगे। एंटी लॉग को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू को एंटी लॉग और एक नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग। तो चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सभी लोग अच्छे से ध्यान देंगे, पहले दो क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद के क्वेश्चंस यू विल ट्राई। जैसे अगर मैंने बोला मुझे एंटी लॉग निकाल के बताइए, सर ये एंटी लॉग काम कहां पे आता है, तो आप जैसे चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे जहां पे वो पीएच के फॉर्मूलेज आते हैं, हाउ टू कैलकुलेट पीएच, वहां पे एंटी लॉग्स वगैरह की बहुत जरूरत पड़ी। तो आपको ये बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, देखो एंटी लॉग ऑफ लेट अस कंसीडर 3.3 का एंटी लॉग निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसकी स्प्लिटिंग सीखें कैसे करना है। आप एंटी लॉग ऑफ, सब लोग मेरे साथ एग्री करोगे कि अपन इसको 3 प्लस 0.3 लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब अगर आपने ऐसा लिख लिया है तो हम इन टर्म्स को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे सीखते हैं। अब मैं इसको, ये जो 3 है इसकी वैल्यू बिना बदले मैं इसको लॉग में देखो कैसे कन्वर्ट करता हूं। मैं इसको लॉग 10 रेज टू पावर 3 लिख लेता हूं। ये कैसे हो गया सर, तो मैं साइड में समझाता हूं कैसे। एक्चुअली में ये 3 ही है बट लिखा लॉग के फॉर्म में। कैसे, जैसे अगर मैंने इसको लॉग 10 रेज टू पावर 3 लिख लिया तो क्या मैं ये 3 सामने ले सकता हूं, बिल्कुल सर, और फिर अपन लॉग 10 लिख लेंगे। अब ये 3 इंटू लॉग 10 की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी होती है, 1, करेक्ट। तो 1, तो इन शॉर्ट ये 3 ही है जिसको लिखा लॉग के फॉर्म में गया है, बिल्कुल। यस सर, तो अपन यहां पे वही कर रहे हैं, अपन 3 को लॉग 10 पर 3 लिख के लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब प्लस के बाद ये जो पॉइंट वाला नंबर है इसका क्या सर, अब आपको ये ढूंढना है, ये जो लॉग 1 से लेकर 10 तक के आपने याद किया है ये किसलिए किया है, इसी के लिए किया है। अब देखो 0.3 आपको यहां पे दिख रहा है जो कि लॉग 2 की वैल्यू है, करेक्ट,
बिल्कुल, तो आप इसकी जगह यहां पे log क्या लिख सकते हो बेटा, 2। करेक्ट। अब अगर आपने ऐसा लिखा तो अब देखो log a प्लस log b वाली आइडेंटिटी बन गई है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग इसको log 2 इंटू 10^3 लिख सकते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो एंटी लॉग क्या होता है ये भी समझ लो, जिन लोगों को बिल्कुल ही बेसिक्स नहीं पता मैं वहां से भी लूंगा। एंटी लॉग इन शॉर्ट नथिंग बट 1/log होता है। करेक्ट, एंटी लॉग इज नथिंग बट 1/log। अब देखो यहां पे 1/log और यहां पे क्या है लॉग, तो लॉग है ना और एंटी लॉग दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल। अब तो ये दोनों बिल्कुल यहां पे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 1/log होता है इन शॉर्ट, तो ये log और यहां नीचे का log कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 2 into 10^3, दैट इज नथिंग बट एंटी लॉग ऑफ क्या, एंटी लॉग ऑफ 3.3। तो ये इतना आसान है जो अभी तक हमको तकलीफ दे रहा था। क्या आप सभी को नहीं लगता बहुत इजी है तरीका ये सॉल्व करने का, तो एक बार सभी लोग देख लें इसको कैसे करना है। मैं एक और वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। यस, अब अपन ट्राई करते हैं नेक्स्ट एंटी लॉग, दैट इज एंटी लॉग ऑफ कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर 27. है ना 9, ऐसा अपन एक टर्म ले लेते हैं। ठीक, चलो बहुत अच्छे। अब अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे, पिछले में जो किया था वही यहां पे करेंगे। पहले तो इसको स्प्लिट अप करेंगे। कैसे करेंगे स्प्लिट अप, बिल्कुल 27 + 0.9। ठीक, अब ऐसा करने के बाद आप इसको कैसे लिखोगे समझो, यहां पे हम लोग इनको लॉग के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ क्या, log 10^27 प्लस 0.9। चार्ट में चेक करो कहां पे लॉग 8 की वैल्यू, यस, तो अपन इसके जगह लॉग 8 लिखेंगे। अब log a प्लस b की आइडेंटिटी यूज करेंगे। करेक्ट, थोड़ी स्पीड बढ़ गई है हम सभी की। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी कैन राइट इट एज, यहां पे आ जाएगा log, है ना, क्या हो जाएगा 8 into 10^27। फाइनली हम लोग log और एंटी log को कैंसिल करेंगे एंड योर आंसर विल बी 8 into 10^27। करेक्ट, बिल्कुल। तो इतना आसान है एंटी लॉग निकालना। ओके, होपफुली आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप सभी को दे देता हूं फॉर प्रैक्टिस, आप सभी लोग इसके बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और मुझे चैट सेक्शन में वीडियोस के बताएंगे कि आपके आंसर्स क्या क्या आए हैं। एंटी लॉग ऑफ है ना, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको सॉल्व करना है। तब तक आप ये लिखें, तब तक मैं इधर एंटी लॉग की कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं। अब हम लोग एंटी लॉग निकालना सीखने वाले हैं ऑफ नेक्स्ट टर्म, दैट इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंटी लॉग। वही सेम वैल्यूज लेते हैं, सबसे पहला मैंने शायद 3.3 लिया था, बिल्कुल, लेकिन इस बार फर्क ये है कि इस बार -3.3 है। अब इसका जब एंटी लॉग आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे समझो, यहां एंटी लॉग ऑफ इसको स्प्लिटिंग का तरीका इज डिफरेंट, बाकी सारे पार्ट सेम है, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। कैसे, आप इसको स्प्लिट अप करते वक्त क्या करेंगे, पॉइंट के पहले जो नंबर लिखा है उससे एक नंबर बड़ा ले लो, जैसे यहां पे 3 लिखा है तो आप यहां पे -4 लोगे। ठीक है, पॉइंट के पहले जो नंबर है उससे एक नंबर बड़ा लेना। अब क्या करना है, अब आपको ये जो पॉइंट 3, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है ये 1 में से माइनस कर लेना। तो 1 में से माइनस करोगे, 1 में से पॉइंट 3 माइनस करोगे, यार बहुत ही इजी है, कितना 0.7, बिल्कुल यस। अब आपको क्या करना है, ये -4 हो गया, ये 0.7 हो गया। अब वही सेम रूटीन जो हम लोग कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, कि इसको log of 10^-4 लिख सकते हैं
और 0.7 हमारे चार्ट में अवेलेबल है एज लॉग 5, तो हम लोग यहां पे उसके जगह लॉग 5 लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करो, अब वही लॉग ए प्लस लॉग बी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग कितना 5 × 10⁻⁴। बहुत अच्छे, अब बिल्कुल बहुत सही पकड़ा कि लॉग और एंटी लॉग कैंसिल एंड योर आंसर इज 5 × 10⁻⁴। तो बहुत इजी है, बस स्प्लिटिंग वाला पूरा सेम है यार, बस स्प्लिटिंग वाला पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पॉजिटिव वैल्यू वाले पार्ट। बस अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि पॉइंट के पहले वाले नंबर से एक नंबर बड़ा आपको वैल्यू यहां पे लेना है, और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो 1 में से माइनस करके लिखना है। यस, अब अगर हमको एक और एग्जांपल कराया जाए, जैसे कि एंटी लॉग ऑफ, लेट अस कंसीडर, वही वैल्यू लेते हैं हम लोग, मैं लेट अस कंसीडर माइनस ऑफ 27.7 ले लेता हूं, ठीक है, ऐसा कोई नंबर ले लिया मैंने, तो क्या होगा, अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो आप एंटी लॉग लिखोगे, फिर क्या करोगे, पॉइंट के पहले वाला नंबर जो है क्या है 27, तो उससे बस एक नंबर बढ़ा दो, दैट इज माइनस ऑफ 28। ठीक, उसके बाद पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है उसको 1 में से क्या कर लेना है, माइनस, और फिर यहां पे लिखना है दैट इज 0.3। बिल्कुल यस, ये स्प्लिटिंग होने के बाद सारा काम सिमिलर है, एंटी लॉग ऑफ क्या निकालोगे बेटा यहां पे मेरे को ये बताओ, माइनस ऑफ 28 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 10⁻²⁸, करेक्ट स्टूडेंट्स, यस, और 0.3 कैन बी रिटन एज लॉग 2, बिल्कुल सही है। अब लॉग ए प्लस लॉग बी की आइडेंटिटी, तो हमारे लिए यहां पे वैल्यूज हो जाएगी एंटी लॉग ब्रैकेट के अंदर लॉग ऑफ 2 × 10⁻²⁸, सही है, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, लॉग और एंटी लॉग को कैंसिल कर देना है, तो योर आंसर विल बी 2 × 10⁻²⁸। यस, तो बस ये हमारा आंसर है। अब कुछ क्वेश्चंस, जैसे हमने होमवर्क लिए थे वैसे यहां पे भी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में ले लेंगे, जैसे कि आपको निकालना है एंटी लॉग ऑफ -10.5, ठीक है, आपको निकालना है एंटी लॉग ऑफ -11.4, है ना 6, ठीक है, ऐसे नंबर्स का, एंटी लॉग ऑफ -15.8, इसका एंटी लॉग निकालना। अब कभी काल आपका जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है ना वो इस वाले चार्ट से मैच नहीं करेगा, तो जैसे मान के चलो कि 0.2 आ रहा है, तो 0.2 आप इतने बात तो समझ में आ रही है ना कि 1 की वैल्यू 0 है और log 2 की वैल्यू 0.3 है, तो 0.2 इन दोनों के लगभग कैसे आएगा, बीच से थोड़ा ज्यादा, मतलब वो 1.5 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रहेगी, तो आपको ये थोड़ा बहुत ट्रिक्स करने आने पड़ेंगे या सीखना ही पड़ेगा कि एग्जैक्ट नंबर हर बार नहीं आने वाला, तो जब नहीं आएगा तो वो नंबर किन नंबर के बीच में है ये आपको चेक करना पड़ेगा और वहां से वो नंबर निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये था एंटी लॉग वाला ट्रिक जो हमने पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों वैल्यू कंसिडर कर ली। अब हम लोग जो पोर्शन कवर करने वाले हैं वो है लॉग वाला। अच्छा, एंटी लॉग तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाला भी है, लॉग तो बिल्कुल ही आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान क्या है इसमें समझो, आपको जैसे कोई भी नंबर का पूछ लिया, जैसे लॉग ऑफ 25, है ना, आपको सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है। वैसे मैंने पढ़ा है कहीं कि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, लेकिन हम लोग लगाएंगे यार, बिल्कुल, चलो ध्यान देते हैं। तो लॉग 25 कैसे निकालोगे, तो मैं देखो लॉग 25 को लिख कैसे लेता हूं, मैं लॉग 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, क्या बात है, बिल्कुल 25 कैन बी रिटन एज 5 का स्क्वायर। अब अगर ऐसा आया तो अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, 2 log 5, बिल्कुल सर। अब 2 × log 5, log 5 की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल सही, दैट इज 0.7, तो 0.7 × 2 आंसर विल बी 1.4। ये सारी वैल्यूज अप्रोक्स वैल्यूज है, जब पेपर में हमको ऑप्शंस हैं तो हमारे लिए अप्रोक्स वैल्यूज भी काम कर जाए। यस, बिल्कुल,
तो जैसे कि हमारे लिए मान के चलो log 30 है, log 30 कैसे निकालोगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log 3 into 10, बिल्कुल सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर ऐसा वैल्यू आया है ना, तो हम यहाँ पे log 3 प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा, log 10, बिल्कुल। अब log 3 की वैल्यू है 0.48 और log 10 की वैल्यू है 1, दोनों को ऐड करेंगे 1.48 हमारा आंसर आएगा। यस, तो लॉग निकालना तो और आसान हो जाता है जब हमारे लिए ये वैल्यूज अवेलेबल होती है। अच्छा, कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे जिनके आप लॉग निकालने में बहुत तकलीफ हो जाएगी, जैसे लॉग 11 किसी का मल्टीपल नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग लॉग 10 निकालेंगे, लॉग 12 निकालेंगे और दोनों के बीच की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे फॉर लॉग 11। यस, तो ऐसे भी नंबर्स आपको मिल जाएंगे जिनके डायरेक्टली आप लॉग निकाल नहीं पाओगे, तो वैसे टाइम पे हम लोग आगे पीछे वाले नंबर्स के लॉग निकाल के और बीच वाली वैल्यू कंसिडर कर लेंगे उनकी। इस तरीके से लॉग और एंटी लॉग वाली वैल्यूज निकाली जाती है। होपफुली आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया और थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। चैनल पे पहला वीडियो आने से पहले ही 200 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब करें और सभी लोग जिन लोगों को भी पसंद में आए वो आगे की भी वीडियोस के लिए वेट करें, क्योंकि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं ये मैं बता देता हूँ। जितने भी चैप्टर्स आपके 11 स्टैंडर्ड के अभी हैं वो मैंने कुछ दिनों के टारगेट पे रखा है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे आप एक टॉपिक पे क्लास में 3 या 4 क्वेश्चंस करते हैं जिनसे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक पे 10 या 15 क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारे उस टॉपिक के लिए जो डर है वो खत्म हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट, तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम लोग यही सब देखने वाले। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।